हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो आज के वीडियो में हम स्टडी करेंगे फार्माकोपिया, जो कि होम्योपैथिक फार्मेसी का टॉपिक है और ये टॉपिक एग्जाम में 5 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। सो अगर सबसे वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन मुझे और वीडियोस बनाने के लिए इनकरेज करता है। सो प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फार्माकोपिया का वर्ड मीनिंग क्या है? सो फार्माकोपिया, द वर्ड फार्माकोपिया इज डिराइव फ्रॉम टू वर्ड्स। सो फार्माकोपिया वर्ड दो वर्ड से बना हुआ होता है। सो फर्स्ट वर्ड इज फार्मेकॉन एंड सेकंड वर्ड इज पोइन। सो फार्मेकॉन का मीनिंग क्या है? सो फार्मेकॉन मीनिंग अ ड्रग एंड पोइन मीनिंग टू मेक। सो इन दोनों वर्ड से आपको फार्माकोपिया का मतलब की थोड़ी आइडिया आ गई होगी। सो फार्माकोपिया दो वर्ड से बना हुआ होता है, अ ड्रग एंड टू मेक, यानी कि इन शॉर्ट फार्माकोपिया में हमें बताया जाता है कि ड्रग्स कैसे बनाए जाते हैं या फिर ड्रग्स बनाने के लिए कौन सी डायरेक्शन यूज की जाती है। सो ये सब हमें फार्माकोपिया में पता चलता है। देन वॉट इज डेफिनेशन ऑफ फार्माकोपिया? इट इज़ सुप्रीम अथॉरिटेटिव बुक पब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ एनी कंट्री विच डील्स विद द साइंटिफिक फैक्ट्स एंड लॉजिकल एटीट्यूड ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ड्रग सब्सटेंस कंटेनिंग डायरेक्शंस फॉर कलेक्टिंग ड्रग मटेरियल्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस फॉर प्रिपेयरिंग प्रिजर्विंग कंपाउंडिंग कंबाइनिंग ऑफ वेरियस ड्रग्स। सो फार्माकोपिया क्या है? एक सुप्रीम अथॉरिटेटिव बुक है जो कि गवर्नमेंट और अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट के थ्रू पब्लिश किया जाता है, विच डील्स विद साइंटिफिक फैक्ट, जो कि साइंटिफिक फैक्ट और लॉजिकल एटीट्यूड ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ड्रग सब्सटेंस के से डील करता है। स्टैंडर्ड कंटेनिंग डायरेक्शंस फॉर कलेक्टिंग ड्रग मटेरियल फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस, जिसमें क्या प्रेजेंट होता है कि डायरेक्शंस प्रेजेंट होती है कि ड्रग सब्सटेंस को हम कैसे प्रिवेंट करना चाहिए और ड्रग्स को कैसे बनाते हैं, यानी कि प्रिपेयर कैसे करते हैं, ड्रग्स को प्रिजर्व कैसे करते हैं, ड्रग्स का कंपाउंडिंग कैसे करते हैं और ड्रग्स को कंबाइन कैसे करते हैं। सो इन शॉर्ट में अगर फार्माकोपिया को बताया जाए तो फार्माकोपिया एक हर कंट्री का एक अपना मतलब मेडिसिन बनाने का एक फिक्स बुक होता है कि इस मेथड से हमें ये ड्रग बनाना है। सो उस बुक को हम क्या करेंगे? फार्माकोपिया कहेंगे। देन देर आर टाइप्स ऑफ फार्माकोपिया। सो देर आर टू टाइप्स ऑफ फार्माकोपिया, ऑफिशियल फार्माकोपिया एंड अनऑफिशियल फार्माकोपिया। सो ऑफिशियल फार्माकोपिया क्या है? सो इट इज़ पब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट और द अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री। सो ऑफिशियल फार्माकोपिया गवर्नमेंट से पब्लिश किया जाता है या फिर गवर्नमेंट की कोई अथॉरिटी है उस कंट्री की, तो उसके थ्रू पब्लिश किया जाता है। और इसके एग्जांपल क्या है? जर्मन होम्योपैथिक फार्माकोपिया, जो कि जर्मनी का ऑफिशियल फार्माकोपिया है। देन ब्रिटिश होम्योपैथिक फार्माकोपिया, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने का ऑफिशियल फार्माकोपिया है। देन होम्योपैथिक फार्माकोपिया ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, सो ये है अमेरिका का ऑफिशियल फार्माकोपिया। देन होम्योपैथिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया, सो ये है इंडिया का होम्योपैथिक ऑफिशियल होम्योपैथिक फार्माकोपिया। एंड फ्रेंच होम्योपैथिक फार्माकोपिया, जो कि फ्रांस का ऑफिशियल होम्योपैथिक फार्माकोपिया। सो द होम्योपैथिक फार्माकोपिया वॉज ग्रेजुअली मेड ऑफिशियल थ्रू द वर्ल्ड। सो मतलब होम्योपैथिक फार्माकोपिया क्या है? जो ग्रेजुअली ऑफिशियल करते गए, क्योंकि जब वो पब्लिश हुए थे तो वह होम्योपैथिक फार्माकोपिया मतलब जब एक्चुअल में पब्लिश हुए थे तो वो ऑफिशियल नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे उन्हें ऑफिशियल फार्माकोपिया में कन्वर्ट किया गया। सो यूनाइटेड स्टेट्स ने ऑफिशियल फार्माकोपिया में कन्वर्ट किया 1938 में, यानी 1938 में। देन फ्रांस ने अपने फार्माकोपिया को ऑफिशियल में कन्वर्ट किया 1965 में। इंडिया ने अपने फार्माकोपिया को ऑफिशियल में कन्वर्ट किया 1971 में। और जर्मनी ने अपने फार्माकोपिया को कन्वर्ट किया 1978 में। देन अनऑफिशियल फार्माकोपिया, सो इट इज़ पब्लिश्ड बाय एनी पर्सन और फार्मास्यूटिकल कंपनी अदर दैन द गवर्नमेंट। सो अगर कोई फार्माकोपिया
गवर्नमेंट के थ्रू नहीं पब्लिश किया जा रहा और किसी पर्सन या फिर किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी के थ्रू पब्लिश किया जा रहा है तो हम कहेंगे उसे अनऑफिशियल फार्माकोपिया। इसके एग्जाम्पल है यम भट्टाचार्य एंड कोस होम्योपैथिक फार्माकोपिया, ब्राजीलियन होम्योपैथिक फार्माकोपिया, मेक्सिकन होम्योपैथिक फार्माकोपिया। देन हु इज़ द फादर ऑफ होम्योपैथिक फार्माकोपिया? सो डॉक्टर कार्ल डब्ल्यू कास्पारी ऑफ जर्मनी इज़ द फादर ऑफ होम्योपैथिक फार्माकोपिया। द फर्स्ट होम्योपैथिक फार्माकोपिया वॉज पब्लिश्ड बाय हिम इन 1925। सो कार्ल डब्ल्यू कास्पारी है होम्योपैथिक फार्माकोपिया के फादर, जिन्होंने 1825 में फर्स्ट होम्योपैथिक फार्माकोपिया पब्लिश किया था और फर्स्ट होम्योपैथिक फार्माकोपिया था जर्मनी का। सो जर्मन होम्योपैथिक फार्माकोपिया इज द फर्स्ट होम्योपैथिक फार्माकोपिया। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फार्माकोपिया। जब भी आपको एग्जाम में 5 मार्क्स के लिए फार्माकोपिया पे शॉर्ट नोट आए तो आप लोगों को ये सारे पॉइंट्स कवर करने हैं। अगर आप लोगों को इस वीडियो से थोड़ी भी हेल्प हुई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल के साथ बने रहिए। सो थैंक यू।